हेलो चैंपियंस, यहाँ पे काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है आपको देना था। थोड़ा सा यहाँ पे हम बाहर आए हुए थे तो थोड़ा मैनेज करिएगा जो बैकग्राउंड नॉइस आएगी। देखिए, टैबलेट और स्मार्टफोन को लेके यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए, ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है, 3 जनवरी को ही कल पारित हो गई थी, रात में ही जो है नोटिस आ गई थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं बना पाए थे हम, तो अभी इस चीज़ को हम बना रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा, इसमें क्या फोटोज़ वगैरह हट जाएंगे जो टैबलेट स्मार्टफोन में लगे थे और किस ईयर वालों को मिलेगा, ये इसमें सारी बातें करेंगे। और कब से मिलने वाला है, क्या आचार संहिता ने इस पर सही में जो है लागू किया था इस चीज़ को कि नहीं बटेगा टैबलेट स्मार्टफोन, तो इसमें सारी चीज़ें बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए विषय क्या बन जाता है यहाँ पर, प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजनांकन उपयोग उपकरणों से सतत विवरण के संबंध में, ठीक है, ये इसका जो है विषय हो जा रहा है यहाँ पे। महोदय, प्रदेश के युवाओं तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना को लागू किए जाने विषयक शासनादेश, इसका नंबर है दिनांक 6/10 की, कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण संबंधी योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट्स पर चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिएगा, इसमें जो है टैबलेट स्मार्टफोन जो मिलना जिसको है स्नातक और स्नातकोत्तर, देखिए यहाँ पे इन स्नातकोत्तर अगर ले लें, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग, इन छात्राओं को 25 तारीख को इकाना स्टेडियम में मिला था लखनऊ में। जैसा कि आप जानते हैं 75 जनपदों से आए छात्र छात्राओं को 84,122 उपकरण यहाँ पे वितरित किए गए थे, ठीक है। तो DGCERT पोर्टल पे क्या है, 24/1/2022 तक, 24 जनवरी तक जो भी डेटाज यहाँ पे अपलोड किए गए हैं जनपद के अनुसार, ठीक है, जनपद के कुल 2,06,000 टैबलेट PC स्मार्टफोन आपूर्ति की जा चुकी, मतलब जनपद में जो है टैबलेट स्मार्टफोन पहुँचाया जा चुका है और अब सिर्फ बांटना रह गया है, ठीक है। अब देखिएगा आगे आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि देखिए विधानसभा जिसे सामान्य निर्वाचन अगर हम बात करें, क्या उसने सच में बंद किया था, तो देखिए सामान्य निर्वाचन घोषणा तथा प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप निर्वाचन आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किए जाने वाले प्रस्तावों की स्क्रीनिंग हेतु कार्यालय ज्ञाप इतनी संख्या, ठीक है, कमेटी के जो संपन्न किया गया 21/1/2022 में बैठक बैठी थी टैबलेट स्मार्टफोन वितरण को लेके, कि वितरण किए जा रहे टैबलेट PC स्मार्टफोन के आदर्श आचार संहिता के प्रचार के अनुसार चालू योजना हेतु कारण निर्वाचन अवधि में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। देखिए यहाँ पे साफ तौर पर चीज़ समझ में आ रहा है कि निर्वाचन आयोग ने ये चीज़ बंद नहीं किया गया था, ठीक है, वो तो यहाँ पे जो है DM जो होते हैं आपके ज़िले के, उनके द्वारा ही ये चीज़ें बंद की गई थी। निर्वाचन आयोग में बैठक हुई अभी 24 तारीख को, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें यही निर्णय लिया गया टैबलेट स्मार्टफोन अब जब स्कूल खुलने वाले हैं 7 तारीख को, जैसा कि आज हमने न्यूज़ दिया था कि आपको 7 फरवरी से जो है कॉलेज और स्कूल खुलने वाले हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वितरित किया जाएगा, आगे देख लेते हैं किस तरीके से वितरित किया जाएगा। देखिएगा, जनपदों की आपूर्ति टैबलेट PC स्मार्टफोन में से उपलब्ध उपकरणों का वितरण आदर्श आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन में चयनित लाभार्थियों को अग्रेतर जारी रखा जाना है, ठीक है, जारी रखा जाएगा, ठीक है। आपूर्ति जो है जनपदों के इस लेवल पर हो चुकी है, ठीक है, टैबलेट PC और स्मार्टफोन की अगर हम बात कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं हम, देखिएगा अगर इसमें हम फोटोग्राफ की बात करें कि फोटोग्राफ हटेगी कि नहीं, देखिए फोटोग्राफ जिन स्टूडेंट्स के मिला था अभी तक उनके फोटोग्राफ लगा था, ठीक है, उसमें चाहे स्मार्टफोन हो चाहे आपके टैबलेट हो। अब क्या है, देखिएगा यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल यहाँ पे आपको देखिए, माननीय फोटोग्राफ अथवा उसके कथन परिचलित ना हो, मतलब जो फोटोग्राफ वगैरह हैं वो अब नहीं लगेंगे, काफ़ी अच्छी बात हो जा रही है। जो प्राइवेसीज थी वो प्राइवेसीज लगेंगी कि नहीं, वो चीज़ हम शाम को डिटेल वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना जानिए कि फोटोग्राफ जो है नहीं लगा रहेगा और उपकरण बांटे जाएंगे। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या किन किन को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको हम दिखाते हैं। देखिए डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन से बात करेंगे तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट UG कोर्स जो अंडर ग्रेजुएट के अंदर आते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन की अगर हम बात करें, तो इस यहाँ पर स्मार्टफोन मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हायर एजुकेशन जो PG कोर्सेस है, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन और डिपार्टमेंट कल्चर एम्पावरमेंट फॉर पर्सन डिसेबलिंग और डिपार्टमेंट जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है। ये जो है आपके इतने डिपार्टमेंट को यहाँ पे टैबलेट PC मिलने वाली है और यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिसमें BA, BSc, BCom वगैरह आ जाते हैं, इनको स्मार्टफोन मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो अब आप जान ही गए होंगे जो है कि टैबलेट स्मार्टफोन आपके मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छी खबर है आपके लिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शेयर कर दीजिए कि न्यूज़ उनको भी पता चले। और शाम को जो ब्लॉक्ड स्टूडेंट्स हैं और जो SMS वाले स्टूडेंट्स हैं, किस क्या उनको मिलेगा, क्या SMS अभी और आएंगे, सारी चीज़ें जो है डिटेल में अभी जो है नोटिस के माध्यम से हम शाम को ये वीडियो में आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, थोड़ा बाहर हैं हम, ठीक है, तो ये न्यूज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो आपको जो है शाम तक मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।